हमीरपुर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भोरस थाना के तहत पुलिस ने एक युवक से 438 ग्राम नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं और ये युवक बाइक पर कहीं जा रहा था। एसपी हमीरपुर अजीत सेन ने बताया कि युवक विनोद कुमार गांव डाडू का रहने वाला है और इसे गिरफ्तार कर आगामी छानबीन की जा रही है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत 155 ग्राम चरस भी भोरंज के एक युवक राजकुमार से बरामद की है और युवक को चरस के साथ हमीरपुर क्षेत्र में पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि दोनों ही युवकों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस गहनता से छानबीन में जुट गई है। पिछले दो तीन दिनों में हमने कम से कम 4 केसेस ऐसे दिए हैं जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उसमें हेरोइन का, चरस का और पिछले ही कल 478 यानी 478 टैबलेट्स जो स्पाज्मोपॉक्सीवन की होती है यानी जिसमें टर्माडोल का पदार्थ जो है वो पाया जाता है, यानी 290 ग्राम की जो है ये हमने पकड़ी है, कमर्शियल क्वांटिटी है। विनोद कुमार जो डाडू के रहने वाले हैं उनको हमने इस केस में पकड़ा है, अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके हम बाकी इसको पहले टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसमें आगे कार्रवाई करेंगे कि किस तरह का ये मटीरियल है। और इसके अलावा 150 ग्राम चरस भी कैप्चर करने का हमने हमको एक सक्सेस मिली है। ये ज़रूर है कि हमने ये पकड़े हैं बट हम आगे भी इस तरह का जो है अभियान जारी रखेंगे। किसी भी तरह का खासकर लॉकडाउन का फायदा उठा के अगर कोई व्यक्ति जो है इस तरह की गतिविधि करने के लिए कोशिश करेगा तो उस पर हम पूरी पुलिस टीम जो है पूरे सुचारू रूप से काम कर रही है और हम आगे भी करते रहेंगे।